तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कच्चे आलू का मज़ेदार नाश्ता। तो चलो बनाना शुरू करती हूँ नाश्ता। तो देखिए नाश्ता बनाने के लिए ये मैंने दो कच्चे आलू लिए हैं, और आप कितना नाश्ता बना रहे हैं तो आलू की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग लें। तो ये लिया है मैंने बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर। तो आलूओं को हम सबसे पहले कद्दूकस कर लेंगे। देखिए आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है, और एक बार जब नाश्ता बनाने चलें तभी आलूओं को कद्दूकस करें, अगर पहले से कर लिए तो आलू काले पड़ जाएंगे। देखिए गैस पे रख दी हमने कढ़ाई, कढ़ाई रखें या पैन, तो कढ़ाई में हम 2 कप पानी डालेंगे। तो पानी में हम डालेंगे 1 चम्मच घी, घी की जगह पे आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए, और ये लिए हैं मैंने कड़ी पत्ते। तो देखिए मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं। तो देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे ये आलू जो हमने कद्दूकस करके रखा है। ये मैंने 1 कप सूजी ली है, मतलब 2 कप पानी लिया है तो 1 कप सूजी ली है। सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिलाएंगे। तो अब हम सूजी को अच्छे से पकाएंगे जब तक ये डो एक साथ समेट ना जाए। तो देखिए ये अब डो के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और उतार लेंगे, और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम इस डो को होने देंगे पूरी तरह से अच्छे से ठंडा। तो देखिए अब हो गया है ठंडा। तो हाथ में हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, इससे कि हाथों में चलने लगे। और आपको जैसा भी सेब पसंद हो वैसे बना लें। तो देखिए नाश्ता बनके तैयार है। एक साइड हमने ऑयल चढ़ा दिया गरम होने, तो हम मीडियम हॉट ऑयल में तल लेंगे इनको। तो देखिए ऑयल हमारा गरम हो गया है, तो अब हम नाश्ता को ऑयल में डाल देंगे। तो अब हम अलट पलट के अच्छे से सेंक लेंगे। तो देखिए नाश्ता यानी कि हमारे बड़े, कच्चे आलू के बड़े सिक्के तैयार हैं। तो अब हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा नाश्ता पूरी तरह से बनके तैयार है, और मैं एक उठा के पास से दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी है और अंदर से ये एकदम सॉफ्ट है। तो आज के हमारे इस कच्चे आलू के नाश्ता की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हाँ, और अगर मेरे फेसबुक पेज पर हैं तो हमें फॉलो भी कीजिए। बाय बाय।